लॉकडाउन के चलते रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए आदेश के बाद देश भर में स्पेशल ट्रेनें श्रमिकों के लिए चलाई गई थी, जबकि लॉकडाउन के पांचवें चरण में आमजन को राहत देते हुए 200 पैसेंजर ट्रेनें संचालित की गईं। ट्रेन चलने के बाद किस तरह की स्थिति ट्रेनों की है और किस तरह से यात्री सोशल डिस्टेंसिंग का पालन कर रहे हैं, ये जानने के लिए टाइम 24 की टीम बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन पहुंची, जहां लखनऊ से दिल्ली जाने वाली गोमती एक्सप्रेस खुर्जा जंक्शन से यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई। केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार लॉकडाउन 5 में स्पेशल ट्रेनों के अलावा जो श्रमिक ट्रेनों के लिए श्रमिकों के लिए ट्रेनें चलाई गई थी, इसके अलावा आज 200 ट्रेनों के लिए अनुमति दी गई है जो रवाना की गई है। इसके अलावा दिल्ली के कई स्टेशनों से वो चलेंगी और ऐसी जगहों से ट्रेनें चलाई जाएंगी जहाँ से आम दिनों में लोगों का आना जाना काफ़ी भारी मात्रा में होता है। बुलंदशहर के खुर्जा जंक्शन पर इस वक्त हम मौजूद हैं और स्टेशन अधीक्षक हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछेंगे किस तरह की गाइडलाइन और आदेश उन्हें मिले हैं और कितनी ट्रेनें यहाँ से होकर गुजरेंगी, कहाँ कहाँ जाएंगी, ये सारी तमाम जानकारी हम इनसे लेंगे। स्वागत है सर आपका। सर, जो लॉकडाउन 5 स्टार्ट हुआ है इसमें किस तरह की गाइडलाइन दी गई है? इस समय केवल यहाँ पे 3 पेयर गाड़ी के दिए गए हैं हमको, 3 अप में और 3 डाउन में। जी, 3 गाड़ियों के, 3 गाड़ियों के दिए गए हमें गाइडलाइन। उसमें तीनों, दो तो गाड़ी पुरानी दिल्ली से चलेंगी और नई जलपाईगुड़ी के लिए जाएंगी और एक गाड़ी जो है वो नई दिल्ली से चल के कानपुर लखनऊ जाएगी और लखनऊ से नई दिल्ली जाएगी। और आज ये सोशल डिस्टेंसिंग का दिया गया है जिसका पालन किया जा रहा है, स्टेशन पे पूरी व्यवस्था कर रखी है, जगह गोले बना रखे हैं ताकि पैसेंजर उस पर गोले पे रहें। बुकिंग की बात करें तो सर, ये बुकिंग कब से चालू हुई थी और क्या ऑनलाइन ज़्यादा बुकिंग हो रही है या लोग यहाँ आ रहे हैं, किस तरह से उनको सुविधाएं दी जा रही है? अभी ऊपर के आदेश से हमारे यहाँ की बुकिंग चालू नहीं हुई है। अभी जो भी टिकट यहाँ पे स्मॉल जो यात्रा कर रहे हैं पैसेंजर, वो ऑनलाइन टिकट अपना बुक कर रहे हैं, उससे यात्रा कर रहे हैं, ऑनलाइन टिकट से यात्रा की जा रही है, यात्रा की जा रही है। ठीक है, तो ये हमारे साथ स्टेशन अधीक्षक थे जिनका कहना है कि यहाँ से टिकट अभी बुक नहीं किए हैं, लोग ऑनलाइन टिकट ज़्यादा बुक कर रहे हैं, लेकिन जो ट्रेनों से जाने वाले लोग हैं उनको कुछ गाइडलाइन फॉलो करनी होंगी, जैसे सैनिटाइज उनको होना पड़ेगा, अगर उनमें किसी भी तरह का लक्षण पाया जाता है तो उनको सफ़र ट्रेन में नहीं करने दिया जाएगा। इसके अलावा और भी गाइडलाइन जारी की गई हैं जो ट्रेनों के अंदर एक तरफ से अगर यात्री चढ़ेंगे तो दूसरी तरफ से उनको उतरना होगा, इस तरह की गाइडलाइन केंद्र सरकार की तरफ से बनाई गई हैं ताकि जो लोग फंसे हुए हैं वो अपने। स्टेशन अधीक्षक प्रमोद कुमार गुप्ता से हमने बात की तो उनका कहना है कि 3 ट्रेनों की गाइडलाइन उन तक पहुंची है जो दिल्ली, लखनऊ, कानपुर समेत अन्य बड़े स्टेशनों से बनकर चलेगी। लॉकडाउन के पांचवें चरण की पहली पैसेंजर ट्रेन लखनऊ से चलकर खुर्जा जंक्शन रुकती हुई यात्रियों को लेकर दिल्ली के लिए रवाना हुई, जबकि यहां से ट्रेन में बैठने वाले यात्रियों ने ऑनलाइन टिकट बुक किए हैं। यहां आने वाले यात्रियों को 90 मिनट पहले बुलाया गया ताकि रेल मंत्रालय द्वारा दिए गए निर्देशों का पालन कराया जा सके। सुरक्षा के लिहाज से आरपीएफ भी अपनी पुरजोर कोशिश में लगी है ताकि यात्रियों के लिए लॉकडाउन के नियमों का पालन कराया जा सके। जो ऊपर से रेल मंत्रालय की तरफ से जो आदेश मिले हैं उसमें सभी यात्रियों को 90 मिनट पूर्व स्टेशन पर आने के आदेश हैं, उनको टिकट पे भी उनके नॉमिनेटेड किया गया है और यहाँ आने के बाद हमारा सिक्योरिटी का जो तालमेल है वो हमारा जीआरपी के साथ मिलकर के है और जो पैसेंजर आएंगे उनको ये कंपलसरी है कि वो थर्मल स्कैनिंग के उपरांत ही जो सोशल डिस्टेंसिंग को फॉलो करते हुए ही जहाँ भी उनका निर्धारित कोच है वो वहाँ तक उनको भेजा जाएगा और जो गाड़ी से डिबोर्डिंग होने वाला पैसेंजर है जो उतरेगा उनको भी उतारने के बाद उनकी भी थर्मल स्कैनिंग की जाएगी, उसके बाद उन्हें सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करते हुए उन्हें स्टेशन से बाहर की तरफ लाया जाएगा। साथ ही आने जाने वाले यात्रियों का स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है।
और उनकी जानकारी भी टीम द्वारा रजिस्टर में दर्ज की जा रही है। स्टेशन पर बैठे यात्रियों से जब हमने बात की तो उन्होंने बताया कि स्टेशन परिसर में दाखिल होने के बाद उनका स्वास्थ्य परीक्षण किया गया और सैनिटाइज करा। उनको सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने का भी आदेश मिला है। यात्रियों ने बताया कि 2 महीने बाद वे अपने घर दिल्ली जा रहे हैं। केंद्र सरकार द्वारा दी गई ट्रेन की अनुमति से उनके चेहरे पर भी खुशी नजर आई। लॉकडाउन के इस 5वें चरण में रेल मंत्रालय द्वारा लोगों को राहत तो दे दी गई, लेकिन ट्रेन आने के बाद जब हमारी टीम ने अंदर का हाल देखा तो तस्वीर काफी चिंताजनक दिखाई दी। ट्रेन में बैठे यात्री जहां बिना मास्क के नजर आए तो वहीं ट्रेन में सोशल डिस्टेंसिंग का भी उल्लंघन साफ देखा जा सका है। भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे भी जानेंगे ट्रेनों में छूट मिलने के बाद किस तरह की उन्हें राहत मिली है और किस तरह की सहूलियत या नसीहत उन्हें दी जा रही है। क्या नाम है आपका? वेद प्रकाश। वेद प्रकाश जी, कैसा लग रहा है आपको अब ट्रेनें जो काफी अच्छा लग रहा है, ट्रेनें भी चला दी गई हैं? काफी अच्छा लग रहा है, 2 महीने से इंतजार कर रहे थे कि हम अपने घर पहुंचे। आप कहां जा रहे हैं? दिल्ली जा रहे हैं जी। दिल्ली, निवास आपका दिल्ली में? दिल्ली में ही रहते हैं जी। अच्छा, तो आपको बताया गया था स्टेशन आने से पहले किस तरह की गाइडलाइन है और किस तरह के नियम फॉलो करने होंगे? टिकट बुकिंग के टाइम भी बता दिया गया था, रेलवे की तरफ से सूचित कर दिया गया था कि सोशल डिस्टेंसिंग का उपयोग करना है और मास्क पहनना है। अच्छा, स्वास्थ्य परीक्षण भी किया गया था? हाँ जी बिल्कुल, फॉर्मल अपनी चेकिंग हुई थी, थर्मल चेकिंग हुई है, सारा कुछ हुआ है। तो और भी यात्री हमारे साथ मौजूद है, एक महिला भी हमारे साथ मौजूद है, उनसे भी पूछेंगे कहाँ उनको जाना है। क्या नाम है आपका? शैली। शैली, 2 महीने बाद पैसेंजर ट्रेन चलाई गई जिसमें आम आदमी अपने निजी काम से भी जाना चाह रहा तो जा सकता है, तो किस तरह कैसा लग रहा है आपको? और अच्छा, जब स्टेशन पर आए आप तो किस तरह के नियम आपको फॉलो करने के लिए? काफी टाइम बाद आए, अच्छा लग रहा है। अच्छा, जब स्टेशन पर आए थे तो किसी ने आपकी जाँच की या कुछ गाइडलाइन आपको बताई कि किस तरह से ट्रेन में बैठना है, स्टेशन पर बैठना है? बाहर चेकिंग हुई थी। चेकिंग हुई थी, हाँ। ये भी बताया गया था कि कैसे बैठना है, क्या फॉलो करना नहीं है? सबको अलग अलग बैठना है, सबको अलग अलग बताया था। तो ये कुछ पैसेंजर थे जिनसे हमने बात की, इन्होंने बताया कि जब हम स्टेशन पर पहुंचे तो वहां हमारी थर्मल स्क्रीनिंग की गई, हाथों को सैनिटाइज कराया गया, 90 मिनट पहले बुलाया गया था, इसके अलावा और जो गाइडलाइन है उनको फॉलो करवाया गया। लेकिन जब हमने ट्रेनों की हालत देखी, अंदर से ट्रेनों को देखकर पता चलता है कि सोशल डिस्टेंसिंग का वहाँ कोई नामोनिशान नहीं है, लॉकडाउन के नियमों का उल्लंघन किया जा रहा है, जबकि जो नियम बनाए गए हैं दूरी बनाकर बैठना है अंदर, लेकिन ऐसे इस तरह का जो अंदर रेल के अंदर कुछ भी देखा नहीं जा रहा है। हालांकि बात अगर स्टेशन की करें तो स्टेशन पर पुलिस तैनात है जो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करा रही है, नियमों को फॉलो करा रही है। लेकिन बात वहीं अगर ट्रेन से की जाए, ये गोमती एक्सप्रेस थी जो हमने आपको तस्वीरों में दिखाई, जो लखनऊ से चली है दिल्ली के लिए रवाना हुई है, लेकिन इसमें किसी भी तरह का सोशल डिस्टेंसिंग का पालन होता हुआ नहीं देखा गया। कैमरा पर्सन शमसुद्दीन सैफी के साथ हामिद सैफी, Time 24। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और हाँ, बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।